हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन के शेयर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में आज आपको 2.5% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो देखो पूरा मार्केट क्रैश है और रीजंस भी सेम है भाई, मार्केट में क्यों क्रैश है और इस स्टॉक में क्यों क्रैश देखने को मिला है, क्योंकि देखो मार्केट क्रैश हो रहा है तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा तकरीबन सभी स्टॉक में। लेकिन साथ ही में एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, वो हम समझेंगे और समझेंगे कि ये गिरावट कहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, क्या कुछ इसमें अब होने वाला है, डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे भाई पूरा मार्केट क्रैश है, मार्केट क्रैश का रीज़न है ग्लोबल सेंटीमेंट, क्योंकि पूरा जो ग्लोबल मार्केट है बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जैसे नैस्डॉक और बहुत सारे जो भी है यूएसए के। और भाई रीजंस क्या हैं गिरावट के, सबसे पहले तो देखो जो इजराइल और ईरान के युद्ध की जो वो बनी हुई है उसकी वजह से, और साथ ही में जो इनफ्लो डाटा है यूएसए का वो बढ़ गया है, मतलब बेरोज़गारी बढ़ के आई है अमेरिका में, मतलब जो मंदी का डाटा है ना वो चला हुआ है, और साथ ही में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है अमेरिका की वो अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही में एक और न्यूज़ है जो कि वॉरेन बफे ने अपनी जो एप्पल में से 50% की हिस्सेदारी कम कर ली है, जिसकी वजह से भाई गिरावट आपको देखने को मिली है। साथ ही में जो जापान और येन है उसका कैरी ट्रेड ख़त्म होने के यहाँ पे डर है, जिसकी वजह से गिरावट आपको देखने को मिली है। बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ग्लोबल सेंटीमेंट अब बिगड़ा हुआ है, और वही इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। और मार्केट में क्रैश की वजह से एक रीज़न ये है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सेकंड जो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ वो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट, इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो गिर के आया है भाई। और इन्होंने रीजंस क्या बताए, इन्होंने कहा है कि भाई देखो टाइटन आप सभी को पता है कि ज्वेलरी बनाता है और साथ ही में घड़ी, ये दो चीज़ें बनाता है। इस मतलब जो ज्वेलरी बनाता है, अभी आपने देखा होगा जो गोल्ड के प्राइस हैं वो लगातार भाई बढ़ रहे हैं, गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से ज्वेलरी की मांग थोड़ी सी कम हो गई है, जिस वजह से देखो मांग कम होगी तो बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो भी प्रॉफिट कम होगा, जिस वजह से आपको भाई इनके प्रॉफिट में मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, रिजल्ट इनके क्वार्टर वन के ख़राब आए हैं, मेन रीज़न ये था। अब रिजल्ट भी ख़राब आए हैं, मार्केट का सेंटिमेंट भी बिगड़ा हुआ तो भी प्रेशर नहीं बनेगा तो और क्या होगा। अब समझते हैं कि गिरावट कहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सपोर्ट है 3203 का, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका ब्रेकडाउन कर देती है तो मैंने आपको पहले भी ये टारगेट बताए हैं 2825 तक स्टॉक आता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी देखो भाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई रिजल्ट भी ख़राब आए हैं और साथ ही में अगर गोल्ड का प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो भाई इनकी बिक्री डाउन आएगी, बिक्री डाउन आएगी तो भाई आप सोच ही सकते हो कि क्या होगा स्टॉक में। तो ये थी सारी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। होप करती हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को कर दो लाइक, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप इस स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।